नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। नमस्कार, बड़ी खबर दमोह से आ रही है। जी हां, दमोह में लापरवाही का आलम इस कदर छाया हुआ है, देखिए आप, जिले की नदियों के स्टॉप डैमों पर जो गेट बने हुए हैं उन्हें बंद नहीं किया गया अभी तक। जी हां, व्यर्थ में ही पानी बह रहा है। मामला दमोह जिले का है, जहां पर प्यारमान नदी के बनवार बड़े घाट कनिया घाट स्टॉप डैम के गेट बंद नहीं किए गए हैं, व्यर्थ में ही बह रहा है नदी का पानी। जिले में बीते वर्षों में देखा जाए तो औसतन बारिश कम होती जा रही है, इसके बावजूद वर्षा काल खत्म होने के कुछ माह बाद ही लगभग पूरे जिले में सिंचाई हो या फिर पेयजल सप्लाई, जल संकट की स्थिति निर्मित होने लगती है, क्योंकि बारिश के पानी के संग्रहण की उचित व्यवस्था होने के बाद भी विभाग का इस गंभीर समस्या के समाधान की ओर ध्यान नहीं जाता है। इस कारण जिले के नदी नालों में सिंचाई के लिए पानी की कमी तो हो ही जाती है। गर्मियों तक तो भूजल स्तर गिरने के कारण ट्यूबवेल और कुएं का पानी भी सूखने से सैकड़ों गांवों में पेयजल तक की व्यवस्था नहीं बचती है। दरअसल बारिश के पानी के संग्रहण के लिए जिले की ब्यारमा नदी, कोपरा नदी के विभिन्न क्षेत्रों में करोड़ों की लागत से बना गए स्टॉप डैमों में पानी को रोकने के लिए स्टॉप डैमों में गेट की व्यवस्था तो है, लेकिन समय रहते इन्हें बंद करने में विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। जी हाँ, विभागीय अधिकारी की उदासीनता हर वर्ष बनी रहती है, जिसका नतीजा है कि वर्षा काल खत्म होते ही नदियों में जमा पानी बहकर निकल जाता है, जिसके कारण किसानों को सिंचाई, गांवों में गंभीर पेयजल संकट का हर वर्ष सामना करना पड़ता है। जिले में सिंचाई विभाग अन्य योजनाओं के माध्यम से अकेली ब्यारमा नदी में कनिया घाट, बनवार, बलारपुर, बड़े घाट सहित 2 दर्जन से अधिक स्टॉप डैमों का निर्माण करवाया गया है। निर्माण के बाद भी इन डैमों में पानी को रोकने के लिए गेट की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन सवाल ये है कि वर्षा काल खत्म होने के बाद कलेक्टर के द्वारा स्टॉप डैम के गेट बंद होने का आदेश करने को लगभग एक पखवाड़े का समय बीत गया है, लेकिन अभी तक गेट बंद नहीं किए गए हैं। जिले में तकरीबन ब्यारमा नदी, कोपना नदी पर बने 50 स्टॉप डैम के गेट लगवाने के लिए सालाना 10 से 12 लाख का ठेका होता है, बावजूद इसके समय पर गेट नहीं लगाने की वजह से नदियों का जमा पानी लगातार बहता हुआ व्यर्थ हो जाता है। नदियों में बने दर्जनों स्टॉप डैमों पर यदि युद्ध स्तर पर कार्य भी किया जाए तो 2 से 3 दिन में एक स्टॉप डैम के गेट लगाने का कार्य अगर लेबरों से ठेकेदार आज की स्थिति में करवाते हैं तो 50 से अधिक स्टॉप डैम के गेट बंद होने में 3 माह का समय लगने की स्थिति में नदियों में जमा पानी व्यर्थ में बह जाएगा। बहुत ही विकट स्थिति है ये। इस संबंध में जब हमने सिंचाई विभाग के ई सुरेश कुमार जाटों से बात की तो उनका कहना है कि डिवीजन के एसडीओ को लिखित में आदेश कर दिए गए हैं, लेकिन अभी नदी की जलधारा तेज होने की वजह से स्टॉप डैम के गेट नहीं लग पा रहे होंगे। आप स्वयं सोचिए कि इस तरीके के अधिकारियों की जो लापरवाही है वह गर्मी के मौसम में किस तरह संकट खड़ा कर सकती है। और ये थी दमोह से हमारे संवाददाता राजन असाटी की रिपोर्ट। देखते रहिए सागर टाइम्स न्यूज़।